ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? खामोश। इस रिश्ते का तो पता नहीं, लेकिन आप देखिए ये रिश्ता क्या कहलाता है। का जन्मदिन है और ना ही ये रिश्ता मिलने के बाद दिवाली मनाई जा रही है, पर ये तो है अक्षरा के बेबी शार की रस्म। वाह, जश्न को ग्रैंड कैसे बनाते हैं, ये तो कोई सिंघानिया से सीखे। जरा देखिए तो इस खास मौके के लिए कैसे सब सज धज कर तैयार है। लेकिन इस बार ट्रेडिशनल नाच गाने की जगह तोर भराई की रस्म जरा मॉडर्न तरीके से मनाई जा रही है, पर ऐसा क्यों? ये पूछना तो बनता है ना। हमारे में गोद भराई एक ही बार होती है पहले बच्चे के टाइम, और ये बाल गोपाल की कृपा से अक्षरा का दूसरा बच्चा आने वाला है, तो ये बच्चों ने मिलकर बेबी शावर रखा है, इसलिए कुछ अंग्रेजी चीज है वहाँ पर बाहर मनाया जाता है, तो इस बार हम भी मना रहे हैं। वक्त के हिसाब से बदलने में तो सिंघानिया हमेशा आगे है। वैसे बेबी शार का सारा प्लान घर की जनरेशन नेक्स्ट ने बनाया है, जब धमाल के लिए चुंकू ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। अब रब्बे के साथ कर ढेर सारे स्माइली वाले बलून ले आए छोटे मियां। तब ने कैंडल जला कर अक्षरा और उसके होने वाले बेबी के लिए प्रेयर्स भी की। नक्श बुलाए और मेहमान ना आए, ये कैसे हो सकता है? छोटे मियां से पंगा भला कौन ले सकता है? पार्टी में बड़े भी आए और छोटे भी, सबके तोहफे भी लाए। अक्षरा का पूरा मायका नजर आया तो ताना मारने वाली आंटी जी भी यहाँ पधारी। पार्टी में आलोक और मुस्कान को साथ देखकर तो उनका सिर ही चकरा गया। मुझे इनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मुस्कान और आलोक के प्यार की गाड़ी जरूर आगे बढ़ेगी, क्योंकि दिव्यानी के मूड को देखकर तो यही लगता है कि उन्होंने इनकी शादी के लिए हरी झंडी दिखा दी है। यानी अक्षरा का आने वाला बेबी बड़ी बड़ी खुशियाँ संग लेकर आ रहा है। Let's go.
गोद भराई का जश्न। जब रस्म का नाम ही बदल दिया गया है तो अंदाज तो बदलेगा ही ना। जी हाँ, इस बार यहाँ गोल भराई नहीं बल्कि अंग्रेजी वाला बेबी शार हो रहा है। बेबी शावर बोल रही ना, डेस्टिनेशन वेडिंग एंड बेबी शावर। बड़े यो टाइप लोग जुड़ गए हमारी फैमिली में। ये बेबी शावर सिर्फ अक्षरा का नहीं बल्कि नैतिक का भी हो रहा है। ये नैतिक को मेरे बगल में बैठे हैं, मैंने हमेशा पता नहीं आया, आई डोंट नो, मैंने तो यही सुना है कि बेबी शावर जो लड़की का होता है, यहाँ पे लड़के का भी बेबी शावर हो रहा है और हमारे बगल में बैठे हैं नैतिक, ये बताएंगे आप। जैसे मैं कह रहा था कि पहले भी कहा कि आजकल कहते हैं ना कि सिर्फ मतलब जो लेडी होती है वही प्रेग्नेंट नहीं है, सेड दैट कपल प्रेग्नेंट है साथ में, तो इसलिए बेबी शावर दोनों का हो रहा है। और अब जो जेंट्स है वो मुझे बाहर ले जाते हैं, ये अलग से यहाँ बना रही है, तो ये बहुत ही अलग तरीके का वेस्टर्न स्टाइल में बेबी शावर हो रहा है। इज वेरी प्रिपेयर्ड दिस टाइम बिकॉज पिछली बार जब नक्श हुआ था तो मैं उसको था नहीं, एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि इस बार जब वो आए, जो बच्चा आने वाला है, मैं अक्षय के साथ हूँ और उनकी देखभाल कर सकूँ। और ये गिल्ट पैच पिछली बार का तो हमेशा से ही रहा है, सो आई वॉन्ट टू जस्ट टेक दैट आउट। क्या बात है, इन अंग्रेजी रस्मों का क्या कहना, बड़े अलग अलग तरीके हैं कि बेबी शावर की पूजा करनी हो तो अगरबत्ती की जगह मोमबत्ती से। सब लोग बस दुआ मांग रहे थे एक अलग ही तरीके से, और हर कोई कैंडल जला रहा है और स्प्रेइंग की सब कुछ अच्छे से हो जाए, देयर शुड नॉट बी एनी कॉम्प्लिकेशन। दैट फीलिंग इज वेरी डिफरेंट व्हेन यू लाइट अ कैंडल एंड व्हेन यू प्रे, वो एक अलग फीलिंग है। तो आई थिंक स्कूल में प्रे करते हैं, चर्च में करते हैं, बहुत जगह करते हैं, तो वो एक अलग फीलिंग है। आप अपनी विश को एक लाइट दे देते हैं, स्पेशल बेबी शावर विश। तो जो यहाँ आने वाले नए मेहमान के लिए ढेर सारी दुआएं भी मिली और साथ ही गिफ्ट्स और विशेस की लंबी लाइन भी लग गई। अरे भाई, आज तो अक्षरा और उसका छोटू सबकी विशेस ले लेकर थक भी जाए तो भी पूरी नहीं हो। वैसे अक्षरा इतने साल बाद इतने सारे फंक्शंस में अलग अलग लुक रखने के बाद अब आपका अपने इस बेबी शावर वाले लुक के बारे में क्या कहना है? कुछ नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, मैं वैसे ही लग रही हूँ। मैं अभी अब वी आर इन आवर सेवेंथ ईयर, अब मेरे पास सारे हेयर स्टाइल, सारा मेकअप मेरा खत्म हो गया है अभी। अब जो मेरे को समझ में आता है मैं कर लेती हूँ, कुछ भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अभी भी हमने गोवन तरीके से वेडिंग की थी तो तभी भी हमने थोड़ा सा वेस्टर्नाइज लुक रखा था और थोड़ा अलग तरीका का शादी भी किया था और गेटअप भी अलग तरीका का था। बट नाउ हाउ मेनी टाइम्स नाउ आई एम आल्सो बोर्ड, सो अभी मेरे को फिर भी इट्स नॉट बैड जो मैंने पहना है। आई एम लविंग द कलर, आई एम लविंग द सीक्वेंस ऑन इट और अच्छा लग रहा है, सबने बोला अच्छा।
उनमें से अक्षरा के साथ साथ उसकी फैमिली और दूर दराज के सारे रिश्तेदारों को चमकने का मौका मिला है, तो सब ले रहे हैं इसका पूरा मजा। चलिए जी, अब तो देर थाम कर इंतजार कीजिए अक्षरा जैसी सुंदर नन्ही परी का, क्योंकि वो जब आएगी तो कहानी में साथ साथ लीप भी लाएगी।